Hello everyone, welcome back to my channel once again. This is Gaurav Kumar, you are watching Aquilab. So friends, today I am going to talk about hole in the head. So this video is going to be the second video of hole in the head. Today I am going to share my fish ka update share karne wala hun ki kaise mere fish hai. Kyunki jisne bhi channel ko, agar mere jo your subscriber wo jante honge ki kaise main apne fishes ko recover kiya hun, kaise apne fishes ko main medicine diya hun, kya kya main feed kiya hun. सारे वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ. मैं आई बटन में इसका दे दूंगा वीडियो और डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. सो आज मैं कम्प्लीटली अपने इस पैरट फिश का, जैसे कि अब मैं देख सकते हैं पैरट फिश का पूरे अपडेट शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मेरे हैं फिशेज और वो अभी कैसे फीड ले रहे हैं. मैं फीडिंग भी आपको देख के दिखाऊँगा और फिलहाल मैं इसे क्या मेडिसिन दे रहा हूँ, मेडिसिन के बारे में जानना तो आप जाके वीडियो जरूर देख ले कौन कौन सा मेडिसिन दिया हूँ. तो फिलहाल मैं इसे सेम प्रोसेस 3 डेज में वाटर चेंज कर रहा था और मेडिसिन एवरी थ्री डेज बाद मैं दे रहा था, तो उसके वजह से मेरे फिशेज अभी पूरी तरह से कम्प्लीटली ठीक हो चुके हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और हाँ, वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो जरूर लाइक करें और कमेंट जरूर करें अगर कुछ पूछना हो तो. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो पूरा देखा ही होगा कि कैसे मेरे फिश अभी है. और थोड़ा सा कलर फेड हुआ है, तो वो फेड होने का कारण ये है कि मैं उसको सिंगल टैंक में रखा हूँ जिसके वजह से थोड़ा स्ट्रेस में है. लेकिन हाँ, जैसे मैं उसको इस न्यू टैंक में अपने बड़े बड़े टैंक में शिफ्ट कर दूँगा तो वो अपने कलर ऑटोमेटिकली गेन कर लेंगे. और मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे इसका कलर गेन किया जाता है. तो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई पैरट फिश कलर कैसे इन्हेंस करें, तो मैं उसका भी लिंक वीडियो में दे दूंगा. और क्या क्या फ़िश फूड रिलेटेड में बहुत सारा कमेंट आता है तो मैं फ़िश फूड का भी वीडियो उसमें दे दूंगा. तो मैं बस आपको लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं प्रोसेस किया हूँ, जैसे जैसे मैं आपको फ़िश को मेडिसिन के बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में और फूड के बारे में बताया हूँ, वह सेम प्रोसेस यूज़ करें तो डेफिनेटली आपके फ़िशेज़ को जल्दी हील हो जाएंगे और जल्दी वो रिकवर कर जाएंगे. तो बस वीडियो में आज के इतना ही. आई होप वीडियो पसंद आया. वीडियो पसंद है वीडियो जरूर लाइक करें और कुछ पूछना जरूर कमेंट करें. और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें.